बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम बात करें कि न्यूक्लियर रिएक्शंस की। न्यूक्लियर रिएक्शन में ये होता है कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट होता है एज़ अ रिज़ल्ट ऑफ एमिशन ऑफ अल्फा और बीटा पार्टिकल। अब ये अल्फ़ा या बीटा पार्टिकल की जो एमिशन है ये दो तरह से हो सकती है। एक तो स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन है जिसको हम नेचुरल रेडियोएक्टिविटी कहते हैं, जो कि हैवी न्यूक्लियर के अंदर होती है, और दूसरी आर्टिफिशियल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एलिमेंट है, उसमें हम किसी स्टेबल न्यूक्लियर के ऊपर किसी पार्टिकल की बम्पार्टमेंट करके उसमें रेडियो एक्टिविटी इंड्यूस करवाते हैं, जिसको हम आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। सो हम समराइज इसको यूँ कर सकते हैं, किसी न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को एलिमेंट में कन्वर्ट होता है आइदर बाय मीन्स ऑफ नेचुरल रेडियो एक्टिविटी और बाय आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। और अब यहाँ पे हम थोड़ी सी ये बात करेंगे कि जो केमिकल रिएक्शन और न्यूक्लियर रिएक्शन है इनमें बुनियादी तौर पे फ़र्क क्या है। तो सबसे जो बिग डिफरेंस है केमिकल रिएक्शन और न्यूक्लियर रिएक्शन के दरमियान वो ये है कि केमिकल रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे होते हैं, जबकि न्यूक्लियर रिएक्शन में एटम का न्यूक्लियस इन्वॉल्व होता है जिसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। सो दिस इज़ मेजर डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर रिएक्शन एंड केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन जो है ये इसका लेना देना जो है इलेक्ट्रॉन्स के साथ है, ऑर्बिटल ओवरलैपिंग होती है केमिकल रिएक्शन में, जिसके नतीजे में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनकी दोबारा से जो है वो अरेंजमेंट होती है, रीअरेंजमेंट होती है, और इसी को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जबकि न्यूक्लियर रिएक्शन का लेना देना जो है वो न्यूक्लियस के साथ है, इलेक्ट्रॉन्स उसमें इन्वॉल्व नहीं होते, उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट जो है वो न्यूट्रॉन्स की है और प्रोटॉन्स की है। और उसके बाद ये कि अगर हम बैलेंसिंग की बात करें तो केमिकल रिएक्शन की बैलेंसिंग में सिर्फ मैस इन्वॉल्व होता है, मैस यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पे मैस बराबर होना चाहिए, जबकि न्यूक्लियर रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के की साइड पे मैस के साथ साथ एनर्जी बैलेंस होनी भी लाजमी है। और तीसरी बात ये कि जो एनर्जी चेंजेस हैं वो केमिकल रिएक्शन में बहुत ज़्यादा नहीं होती, जबकि न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर एनर्जी चेंजेस बहुत ज़्यादा होती हैं। और फिर यह कि एनर्जी चेंजेस चूँकि बहुत ज़्यादा नहीं होती, तो इसीलिए जो केमिकल रिएक्शन के अंदर एनर्जी चेंजेस को एक्सप्रेस किया जाता है वो इन टर्म्स ऑफ किलो जॉल्स पर मोल वगैरह किया जाता है, जबकि जो न्यूक्लियर रिएक्शन है उसमें ये जो एक्सप्रेशन है एनर्जी चेंज की ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के अंदर इसको किया जाता है। और एक और ये बात कि केमिकल रिएक्शन के अंदर एलिमेंट नहीं चेंज होता, यानी एलिमेंट जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं वो एलिमेंट लास्ट में उसके अंदर मौजूद रहता है, चूँकि उसके अंदर न्यूक्लियस इन्वॉल्व नहीं होता, जबकि न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर चूँकि न्यूक्लियस इन्वॉल्व होता है तो एक आइसोटोप से दूसरा आइसोटोप या दूसरा एलिमेंट भी इवन जो है वो बन सकता है। अब ये जो न्यूक्लियर रिएक्शन है ये बुनियादी तौर पर दो तरह के हैं, यानी या तो न्यूक्लियर फिशन हो सकती है या न्यूक्लियर फ्यूजन हो सकती है। सो अब हम बारी बारी दोनों की बात करेंगे। न्यूक्लियर जो फिशन रिएक्शन है उसके अंदर एक हैवी न्यूक्लियस जब उसके ऊपर बम्बार्टमेंट करवाई जाती है स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स की, तो वो हैवी न्यूक्लियस दो छोटे न्यूक्लियाई में टूट जाता है और उसके साथ साथ एक अननामलेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, और इस तरह का न्यूक्लियर रिएक्शन फिशन कहलाता है। मैं रिपीट करता हूँ कि ऐसा न्यूक्लियर रिएक्शन जिसमें हम एक हैवी न्यूक्लियस के ऊपर बम्बार्टमेंट करते हैं स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स की और उसके नतीजे में वो न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट होकर दो छोटे न्यूक्लियाई में टूट जाता है और एक ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। ये रिएक्शन जो है इसको हम न्यूक्लियर फिशन कहते हैं। इसकी एग्जांपल यहाँ पे न्यूक्लियर फिशन की ये मोस्ट इम्पोर्टेंट और मोस्ट फेमस एग्जांपल है, जिसमें यूरेनियम 235 के ऊपर स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स की बम्बार्टमेंट करवाई जाती है और उसके नतीजे में ये यूरेनियम 235 वाला आइसोटोप दो छोटे न्यूक्लियाई बेरियम 141 और क्रिप्टॉन 92 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, तीन न्यूट्रॉन्स निकलते हैं और उसके साथ साथ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है। अब यहाँ पे आपको कुछ साइंस जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। ए, ये स्लो मूविंग न्यूट्रॉन है, थर्मल न्यूट्रॉन है जिसकी बम्बार्टमेंट करवाई जाती है यूरेनियम के ऊपर। बी जो है ये न्यूक्लियर रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और सी जो है ये प्रोडक्ट हैं इस न्यूक्लियर फिशन के, और डी जो है ये वो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो रिलीज़ हो रही है एज अ रिजल्ट ऑफ दिस न्यूक्लियर रिएक्शन। दोबारा से इसको देख लें कि यूरेनियम 235 जो है इसके ऊपर स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स की बम्बार्टमेंट करवाई गई है, टूट गया है या बेरियम और क्रिप्टॉन में, और साथ तीन न्यूट्रॉन निकले हैं और उसके साथ साथ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई है।
ये जो फिशन रिएक्शन है इसकी टाइप्स की अगर हम बात करें तो बुनियादी तौर पे ये दो तरह का हो सकता है। एक अनकंट्रोल्ड रिएक्शन हो सकता है जिसको हम एक्सप्लोसिव फिशन रिएक्शन कहते हैं, और दूसरा ये अगर रिएक्शन को कंट्रोल कर लिया जाए जिसको हम आर्टिफिशियल फिशन कहते हैं। तो बुनियादी तौर पर दो तरह की फिशन हो सकती है, अनकंट्रोल्ड और कंट्रोल्ड, यानी अगर तो हम उसको रोक लें, अपनी मर्जी की एनर्जी उसमें प्रोड्यूस करवाएं और उसको हम स्टॉप करवा सकें तो ये अनकंट्रोल्ड फिशन है, सॉरी कंट्रोल्ड फिशन है, इसको हम आर्टिफिशियल फिशन भी कहते हैं, और दूसरा एक्सप्लोसिव फिशन जो कि अनकंट्रोल्ड होती है। ये जो स्लाइड में आपको नज़र आ रही है, रिएक्शन नज़र आ रहा है, ये अनकंट्रोल्ड फिशन है जिसको हम एक्सप्लोसिव फिशन कहते हैं। एटॉमिक बम के अंदर जो है इस तरह का रिएक्शन जो है वो यूज़ किया जाता है। इसमें आप देखें कि जो यूरेनियम का आइसोटोप है स्टार्ट में, उसके ऊपर बम्बार्टमेंट करवाई गई न्यूट्रॉन की, तो वो दो छोटे न्यूक्लाई के अंदर टूट गया, यानी क्रोप्टॉन और बेरियम में, और जो तीन न्यूट्रॉन अब रिलीज़ हुए उन तीन न्यूट्रॉन ने आगे फिर तीन और यूरेनियम को जो है वो तोड़ा, तो वो नौ और आगे फिर तीन तीन जो हैं वो नौ मजीद को तोड़ेंगे, इसी तरह वो आगे 27 को मजीद तोड़ेंगे, और रिएक्शन जो है वो चलता जाएगा आगे से आगे की तरफ जो है वो मूव करता जाएगा, और ये रिएक्शन जो है इसको स्टॉप नहीं करवाया जा सकता यहाँ पे, और इसी तरह का रिएक्शन जो है न्यूक्लियर एटॉमिक बॉम्ब्स में यूज़ किया जाता है। दोबारा से समझ लें कि अनकंट्रोल्ड फिशन जो है वो होगी कि जब रिएक्शन के दौरान जो न्यूट्रॉन्स पैदा होंगे वो मज़ीद न्यूक्लियाई को तोड़ेंगे, उससे जो पैदा होंगे वो मज़ीद को तोड़ेंगे, उससे जो पैदा होंगे वो मज़ीद को तोड़ेंगे, और चेन में रिएक्शन जो है वो चलता जाएगा, और इसको स्टॉप करना जो है इज़ बिट डिफ़िकल्ट, इनफैक्ट वेरी डिफ़िकल्ट। दूसरा न्यूक्लियर रिएक्टर या एटॉमिक रिएक्टर जो है वो क्या होता है, इस पर हम बात करते हैं। ये वो रिएक्टर है बेसिकली जिसके अंदर हम फिशन का जो रिएक्शन है उसको हम कंट्रोल्ड मैनर में प्रोसीड करवा सकते हैं। ये बेसिकली एक काइंड ऑफ फर्नेस होती है जिसमें हम रेडियो एक्टिव मटीरियल यूज़ करते हैं जैसे यूरेनियम 235, और उससे हम मैनेजेबल अमाउंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करवाते हैं एट अ स्टडी स्लो रेट, यानी हम अपनी मर्ज़ी से रिएक्शन को कंट्रोल करते हैं इस रिएक्टर के अंदर। उसमें हम जो है वो हैवी वाटर वगैरह का जो है वो यूज़ करते हैं, यानी पीछे जो हम एग्ज़ाम्पल देख रहे थे वो अनकंट्रोल्ड फिशन थी, लेकिन न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर फिशन के प्रोसेस को कंट्रोल करके एक मैनेजेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करवाई जाती है, और जो फर्नेस इस मकसद के लिए यूज़ की जाती है उसको हम न्यूक्लियर या एटॉमिक रिएक्टर कहते हैं। यूजेस की बात करें अगर हम न्यूक्लियर रिएक्टर की, तो रेडियोएक्टिव बहुत सारे एलिमेंट्स जो हैं वो रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स के पैदा करवाए जा सकते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर। इसी तरह से न्यूक्लियर रिएक्टर में जो हम कंट्रोल्ड फिशन करवाते हैं उससे जो एनर्जी पैदा होती है उसको हम यूज़ कर सकते हैं उस एनर्जी को टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, तो पावर पर्पज़ के लिए जो है न्यूक्लियर रिएक्टर को यूज़ किया जाता है। इसी तरह से और अगर हम यूज़ की बात करें तो कुछ फिशनेबल मटेरियल जो हैं वो भी पैदा करवाए जा सकते हैं, जैसे प्लूटोनियम वगैरह पैदा करवाए जा सकते हैं इससे न्यूक्लियर रिएक्टर में, और प्लूटोनियम जो है ये फ्यूल होता है एटॉमिक बॉम्ब का। इसी तरह से फास्ट न्यूट्रॉन्स हैं वो पैदा होते हैं न्यूक्लियर फिशन में, और ये फास्ट न्यूट्रॉन्स होते हैं आर नीडेड फॉर न्यूक्लियर बम्बार्टमेंट। ये जो स्लाइड है ये बेसिकली ये बता रही है कि किस तरह से न्यूक्लियर रिएक्टर जो है उसको यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में, यानी ये न्यूक्लियर रिएक्टर है और इस न्यूक्लियर रिएक्टर से जो एनर्जी पैदा होती है फिर उसे वाटर को जो है वो बॉयल किया जाता है स्टीम पैदा होती है, और फिर स्टीम से जो है वो टर्बाइन रन की जाती है, और फाइनली उससे जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। तो ये सिस्टमेटिक पे मैं आपको ये स्लाइड बता रही है किस तरह से कंट्रोल्ड फिशन से इलेक्ट्रिसिटी पैदा करवाई जाती है, यानी फिशन से एनर्जी और एनर्जी से स्टीम पैदा करवाई जाती है, और फिर स्टीम से जो है वो टर्बाइन रन करके इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। उसके बाद जो दूसरी तरह का न्यूक्लियर रिएक्शन है ये न्यूक्लियर फ्यूजन है जिसको एटॉमिक फ्यूजन भी कहा जाता है। एटॉमिक फ्यूजन में न्यूक्लियर फिशन जिसमें हमने ये कहा था कि हैवी न्यूक्लियस छोटे न्यूक्लियस में टूट जाता है, जबकि फ्यूजन के अंदर जो छोटे न्यूक्लियाई आपस में कंबाइन होकर एक बिग न्यूक्लियाई जो है वो फॉर्म करते हैं, और उसके साथ इवन बिग अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो पैदा होती है। दोबारा समझ लें कि फ्यूजन के अंदर जो है वो दो छोटे न्यूक्लियाई मिलते हैं और एक बिग न्यूक्लियाई बनता है, और रिलीज़ होने वाली एनर्जी की अमाउंट जो है इवन और भी ज़्यादा होती है। यहाँ पर ये एक न्यूक्लियर फ्यूजन की एग्जाम्पल नज़र आ रही है जिसमें हाइड्रोजन के दो आइसोटोप यानी
प्रोटियम और ड्यूट्रियम और ट्रिटियम जो हैं वो आपस में कंबाइन हो रहे हैं, जिसके नतीजे में हीलियम का न्यूक्लियस एक पैदा हो रहा है, साथ न्यूट्रॉन पैदा हो रहा है और 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जो है वो पैदा हो रही है। यानी दो छोटे न्यूक्लियर मिले, हाइड्रोजन 2 और हाइड्रोजन 3 जिनको हम ड्यूटेरियम और ट्रिटियम कहते हैं, वो आपस में जुड़ रहे हैं, तो एक बिगर न्यूक्लियर अल्फा पार्टिकल जो हीलियम का न्यूक्लियस है वो पैदा हो रहा है, साथ न्यूट्रॉन पैदा हो रहा है और ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो रिलीज़ हो रही है उसके साथ। ये फ्यूजन का प्रोसेस है, ये सिस्टमेटिक पे मैं आपको बता रही है ये स्लाइड के किस तरह से फ्यूजन होते हैं। यानी दो छोटे न्यूक्लियस आपस में जुड़े, एक बिगर न्यूक्लियर जो है वो फॉर्म हुआ साथ और सॉरी आपस में ये जुड़ गए, जिससे ये वाला बिगर न्यूक्लियर जो है वो पैदा हुआ, सात न्यूक्लियस और ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो पैदा हो रही है, ये फ्यूजन है। दोबारा से देखें कि दो छोटे न्यूक्लियर जो हैं वो आपस में जुड़े, एक बिग न्यूक्लियर फॉर्म हुआ, न्यूट्रॉन निकला और साथ में ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकली। इस तरह का जो न्यूक्लियर रिएक्शन होता है इसको हम फ्यूजन कहते हैं। जो एग्जांपल की अगर हम बात करें फ्यूजन की, तो सन जो है जो हज़ारों साल से मिलियन ऑफ ईयर्स इनफैक्ट जो इतनी ज़्यादा एनर्जी जो है वो पैदा करी जा रहा है, तो उसके पीछे जो बुनियादी रिएक्शन है वो न्यूक्लियर फ्यूजन ही है। यानी कंटिन्यूसली सन के ऊपर फ्यूजन का रिएक्शन जो है वो हो रहा है मिलियन ऑफ ईयर से, और जिसके नतीजे में ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो पैदा हो रही है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूजन के दरमियान। न्यूक्लियर फिशन में ये होता है कि हैवी न्यूक्लियस जो है वो ब्रेक होकर छोटे न्यूक्लियर पैदा करता है, जबकि फ्यूजन में छोटे न्यूक्लियर मिलके हैवी न्यूक्लियर पैदा करते हैं। फिशन के जो है ये चेन रिएक्शन है, जबकि फ्यूजन जो है ये चेन रिएक्शन नहीं है। फिशन के अंदर हम हैवी न्यूक्लियस के ऊपर बम्बार्डमेंट करवाते हैं न्यूट्रॉन्स की, जबकि फ्यूजन के अंदर जो लाइट न्यूक्लियर होते हैं दे आर हीटेड टू एन एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर। यानी उस फ्यूजन को स्टार्ट करवाने के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है। उसके बाद ये है कि फिशन को कंट्रोल किया जा सकता है, प्रॉपर मैकेनिज्म है जिससे इसको कंट्रोल करके इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पैदा करवाई जा सकती है। फ्यूजन जो है वो कंट्रोल्ड नहीं है, और अभी तक कोई भी इस तरह का रिएक्टर पैदा नहीं हुआ जिसमें फ्यूजन को कंट्रोल किया जा सकता है। हम बम में जो है इसका यूज़ बिल्कुल है। उसके बाद ये है कि जो न्यूक्लियर फिशन है उसका जो वेस्ट मटेरियल है उसका डिस्पोजल जो है वो बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम काज करता है, जबकि फ्यूजन में इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद ये है कि फिशन का जो रॉ मटेरियल है यूरेनियम या प्लूटोनियम वगैरह वो इतना ईजीली अवेलेबल नहीं है, जबकि फ्यूजन का रॉ मटेरियल जो है वो ईजीली अवेलेबल है। तो ये कुछ पिक्चर्स हैं जो स्टार्ट में एटम बम जो है वो जापान के ऊपर फेंका गया, लिटिल बॉय, ये वो वाला बम है जो आपको इस पिक्चर के अंदर नज़र आ रहा है, और ये उसके चलने का मंजर है जी, जो जापान के अंदर बम हिरोशिमा और नागासाकी के अंदर जो बम चला ये वो वाला है, और ये उसके इफ़ेक्ट्स आप देख सकते हैं कि बम चलने से पहले जो है उस शहर की हालत क्या थी, जो हिरोशिमा सिटी है, और जब एक्सप्लोशन हो गया तो उसके बाद जो है वो क्या सूरत हाल हुई, यहाँ से आप देख सकते हैं। और ये पिक्चर आपको दिखा रही है कि वो जो अटोमिक बम वहाँ पर चला था हिरोशिमा में, तो उसके आफ्टर इफ़ेक्ट हैं वो क्या हैं कि अबनॉर्मल बच्चे जो हैं वो पैदा हो रहे हैं इवन टू डेट। अभी भी देख रहे हैं कि जापान के अंदर क्या हालात हैं, ये भी नज़र आपको आ रहा है इस पिक्चर के अंदर। थैंक यू जी।